लोकसभा चुनाव 2024 की समाजवादी पार्टी की छात्रों सूची जारी। इन 10 दिग्गज नेताओं को मिला लोकसभा चुनाव 2024 का टिकट। आइए हम आप लोगों को एक एक करके नाम बताते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है मछली शहर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी रागिनी सोनकर, वर्तमान में मछली शहर विधानसभा से विधायक है। और दूसरा नाम है घोसी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे राजू राय, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। और तीसरा नाम है मुरादाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे एस टी हसन, वर्तमान में मुरादाबाद लोकसभा सीट से सांसद है। और चौथा नाम है कन्नौज लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, वर्तमान में करहर विधानसभा से विधायक है। वही पांचवा नाम है संभल लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे जियाउर रहमान वर्क, वर्तमान में समाजवादी पार्टी के विधायक है। वही छठवां नाम है फूलपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की इंडिया अलायंस की प्रत्याशी होंगी पल्लवी पटेल, वर्तमान में सिराथू विधानसभा से विधायक है। वही सातवां नाम है नगीना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के प्रत्याशी होंगे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद। समाजवादी पार्टी की छठी सूची में बड़ा परिवर्तन होगा, चंद्रशेखर आजाद को समाजवादी पार्टी नगीना लोकसभा सीट से मौका देगी। वही आठवां नाम है रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी होंगी सिद्रा आदि, रामपुर लोकसभा सीट से आजम खान साहब की बहू है। वही नौवां नाम है मिर्जापुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल 2024 लोकसभा चुनाव में। वही दसवां नाम है जौनपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे विजय बहादुर यादव 2024 लोकसभा चुनाव में। समाजवादी पार्टी की छठवीं सूची जारी हो गई है, 10 नेताओं को 2024 लोकसभा चुनाव का टिकट मिला है। समाजवादी पार्टी जिस तरह से 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है, जिस तरह से प्रत्याशियों का ऐलान चुन चुन कर रही है, बीजेपी पार्टी की राह 2024 लोकसभा चुनाव में आसान रहने वाली नहीं है।